कैंप के आदमी ने चार लोगों और खुद को मार डाला, पुलिस ने कहा। शनिवार को पूर्वी केंटकी में हत्या की कट्टरपंथियों में पांच लोग मारे गए, जॉनसन काउंटी शेरिफ ने कहा। यह एक भयंकर हत्या की हो गई है, चार निर्दोष पीड़ितों की जान ली गई थी, अपराधी ने अपना जीवन लिया, शेरिफ ट्रेने प्राइस ने कहा। एक शूटिंग के बारे में रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों ने जॉनसन काउंटी के एक घर में दो पीड़ितों के शव को पाया, शेरिफ के कार्यालय ने एक बयान में कहा। जब डेप्यूटी एक संदिग्ध खोज रहे थे तो उन्हें दो और पीड़ितों और संदिग्ध शूटर की मौत पेंसविले में एक मकान में मिली, जहां से लगभग 10 मील दूर जहां पहले पीड़ित पाए गए थे। मूल्यों ने कहा कि वह उन पीड़ितों के नाम जारी नहीं कर रहे थे जब तक उनके परिवार को सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, एक आदमी की कार्रवाई के कारण किए गए चार जीवन को देखते हुए हार्ट रेट का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैंने 34 सालों से कानून प्रवर्तन में काम किया है, यह मैंने कभी देखा है कि हिंसा के सबसे ज्यादा परेशान करने वाले कृत्यों में से एक है।